यस अजराय। योगेश जी, अधिकतर ऐसा होता है जैसे कुछ समय पहले मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आपकी इतनी पुरानी यादें, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के बावजूद आपके दोस्त तकसीरा साहब मौजूद हैं, मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, इन लोगों के साथ थिएटर करना, प्ले करना, उसके बाद ये जहन में कब आया आपके कि यार मुझे फिल्म में कुछ करना चाहिए? वो ऐसा लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि जो जिस चीज़ का आपको शौक है वो आप कर नहीं पाते क्योंकि और भी लाइफ में दूरी होती है। तो मेरे सारे दोस्तों जिनको एक तरह से भगवान ने भी मदद की, वो आ गए भी पवन, सुधीर मिश्रा, ये हम एक ही गेम के चट्टे बटे थे, थिएटर करते थे साथ में। तो मैं भाग्यवश कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया, मन मेरा यहाँ था, लेकिन वहाँ पर भी सफलता मिली और अच्छी कंपनियों की लीडरशिप रोल में रहा मैं, और उसमें एक तरह से समय निकल गया 40 साल। लेकिन हमेशा मन में भूख थी कि कुछ करना है। तो मैं 60 साल की उम्र में मैंने ऐसा अपने आप से वचनबद्ध हुआ कि बहुत जिंदगी निकाल ली, अब वो करूँगा जो मेरा मन था। और तब तक भगवान की कृपा से इतने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी क्रिएट हुए। तो जैसे किसी ने एक बार पूछा कि मैंने किसी को कहा कि यार यही काम अगर हमने 20 साल की उम्र में शुरू किया होगा तो अभी तक कहाँ पहुँच जाते। तो फिर उसने कहा कि भाई तूने 20 साल की उम्र में शुरू कर ही नहीं सकता था, तेरे पास कुछ था ही नहीं, तो अब 60 साल की उम्र में कुछ जमा पूंजी है तभी ये काम कर पा रहा है। और नेचुरली ये इतने लाइफ के एक्सपीरियंस इकट्ठे थे, और आई वाज ऑलवेज एट हार्ट थिएटर पर्सन एंड एन आर्टिस्ट एंड ए राइटर। तो पहले तो मैंने कहानी लिख ली, इससे शुरुआत करी, और मैं आया है कहानी लिख के, मेरे जितने दोस्त बैठे उनको भी बताई कहानी, सबने कहा अच्छी कहानी, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं था और मेरे पास इतनी उम्र भी नहीं कि मैं अभी इंतजार करूँ, 4-5-6 साल वेट करता रहूँ कि मेरी कहानी को लिखेगा मतलब बनाएगा। तो मैंने कहा कि मैं सक्षम हूँ, मैं इस कहानी को खुद ही बनाता हूँ। तो अब बन गई है, पिछले 2 साल से इसमें लगे हुए थे, बहुत साथ मिला, बहुत अच्छे मेरे साथी कलाकार रहे, मेरी टेक्निकल टीम जो DOP सुमित जी यहाँ पर है, हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं अर्पित, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अभिक, ये सब आज आए हुए हैं, इन दे आर एस इन देर टॉप पीपल। सम ऑफ देम मे नॉट हैव बीन एक्सपोज टू बॉलीवुड बट इन देयर ओन फील्ड एंड एरिया, जैसे अभिक यहाँ जिनका म्यूजिक हम रिलीज करने लगे हैं, ही इज अ सुपर टैलेंटेड पर्सन, बट आई थिंक अमंगस्ट ऑल ऑफ अस ही विल बी द न्यू फाइंड फॉर बॉलीवुड। Bollywood will discover an amazing new talent, and in my actors there are so many youngsters. Angad hai, Nikita hai, the first time Angad has performed with me in theater, kyunki 60 saal ke baad maine chhoda to kuch samay maine theater kiya, jab main likh raha tha main theater bhi karta tha, so Angad I found that he has done brilliant performances in different characters due to life। तो अगर को मैंने मन में सोचा कि जब भी कभी जिंदगी में पिक्चर बनाऊंगा तो मैं इसको जरूर बनाऊंगा। अच्छा, तो निकिता इज अ गॉड्स गिफ्ट टू द फिल्म, एंड देन देयर आर मेनी अदर्स हु आर नॉट, आई गॉट, आई एम गिविंग फुल क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, वी हैव सुमित हियर आवर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हु इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड सिनेमा पर्सन, माय चीफ एडी इज देयर। सो सारे लोगों ने एक टीम बहुत अच्छी बन गई, और फिर एक तो एडवांटेज हमको था फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड टू कीप अ टीम टुगेदर एंड टू गेट द बेस्ट क्रिएटिविटी, सो वी हैड अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड एट एवरी स्टेज, एंड आई डिड गेट अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द बॉम्बे फिल्म पीपल, सो मे आई नॉट फॉरगेट एनीबॉडी, बट देयर न्यूमरस पीपल हैव हेल्प मी ब्रिंग दिस फिल्म। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टूडे दैट मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है और वो मेरे को हमेशा एक्चुअली पुश मी हार्ड, मणि शंकर। मणि, आई वुड वॉन्ट यू टू शो योर फेस हियर टू द वर्ल्ड। मणि शंकर जी हैं, वो आए हुए यहाँ पे, आए हुए हैं मणि शंकर, he was talking to the press just a while ago, maybe he just, इन्होंने मुझे दोनों तरीके से पुश भी किया और वार्न भी किया कि तू गलत काम करने जा रहा है, जिंदगी का सारा पैसा लगा रहा है, तू पहले से तैयार हो जा, इसमें कुछ नहीं मिलता, बड़ी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, और साथ में साथ भी दिया जो भी मैं उसे कोई हेल्प लेने की कोशिश करता। तो कॉन्स्टेंटली मनी, व्हाई डोंट यू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स? या आई सेड इज मैड नट्स, कौन अपना पैसा खर्च करता है यार, 4-5 करोड़ रुपए ऐसे
फेंक दिया उसने। हाउ लॉन्ग इट हैज टेकन हिम टू अर्न दैट मनी, कितनी बार बोला मत करो यार मत करो, नहीं सुना उसने। बट आई रियलाइज के वो पागलपन में एक एक पैशन होती है, उसमें एक मीनिंग भी होता है कि देयर इज अ मीनिंग एंड पर्पस टू हिज लाइफ। एंड यू नो समथिंग, व्हेन यू रियली आर दैट पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड यू डोंट केयर व्हाट हैपेंस, दिस इज सेंस ऑफ द स्पिरिट व्हिच कम्स आउट ऑफ यू एंड सम पावर आउट देयर इज लिसनिंग टू दैट स्पिरिट डैम इट। आई जस्ट प्रे टू दैट पावर दैट यू नो इट गिव्स हिम हिज ड्यू। इफ ही हैज मेड अ बैड फिल्म इट डिजर्व्स टू फेल, but he's made a good film, it deserves to succeed. That's what I feel about this man. He's really gone to hell. I'm his buddy from college. I know what he's gone through. He's had problems with his own family. Their wife is not talking. Son is saying, wo hamara paisa aapne uda diya. Everything under the sun. He's withstood that pressure. He's coming here. And I say that, you know, there's a God out there. Listen to him. Listen to what this man has done. See what he's done. And if he deserves it, give him the success that he really deserves. This is my prayer. Yes, sir, बताइए, बहुत 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 प्रॉब्लम है। आरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ऐसे से भी बहुत जरूरी है किसी को इतना पैशनेट होना। और वाकई इन मिनट्स होना ताली चाहिए। हाँ, कसम दोस्त होते ऐसे। So, बहुत अच्छे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन of course the film is not seen yet, there is no preview here, we only have a trailer, but I am as a maker so happy कि जो मैंने कंसीव किया था कहानी में किरदार जो मैंने बनाए थे, true to life each one of them has brought them out very very well. क्योंकि मेरे को आज ही किसी one of your press friends asked me कि how much are you happy, मैंने कहा there couldn't have been a better film. I think I hit the nail. जो मैं जो कहानी मेरे दिमाग में थी वो कहानी बहुत बेहतरीन बनी है। और ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली, दे आर एनीवे वेल नोन गुड एक्टर्स, आई गिव देम ऑल क्रेडिट। एंड वी हैव दिस यंगस्टर्स अंगद एंड वी हैव निकिता। पर ये बीच पॉइंट क्या हुआ आपकी कहानी का, आपने खुद लिखी है इस कहानी के बीच पॉइंट होता ना जिससे द्वारा ऐसे शुरुआत करते हैं कहानी की। पहली कहानी पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि लड़का कहता है यंगस्टर कि अ मैन इज नोन फॉर हिज स्ट्रगल्स, कि जिंदगी में वो स्ट्रगल कितनी की अपनी ड्रीम को हासिल करने के लिए, ड्रीम हासिल हुई या ना हुई जो वो उसकी पहचान बनती है उसकी स्ट्रगल से। सो मैन इज नोन फॉर हिज स्ट्रगल्स। तो लड़की कहती है ठीक है तुम्हारे लिए ठीक होगा, फॉर द बॉय इट्स ऑल राइट नो बीइंग नोन फॉर योर स्ट्रगल्स, बट फॉर अस इट्स ओनली अ ड्रीम वर्सेस डेस्टिनी। द विमेन are consigned, they get pushed to their destiny. They cannot struggle. ये actually मेरे को एक बार मेरी बहन ने बताया, मेरी बड़ी बहन है, she's one of the globally acknowledged mathematician in the world. She's very well known as a mathematician, global acknowledgement उसको। तो वैसे हम बात कर रहे थे, कह रहे तेरे साथ क्या है भाई, तेरे को तो हर चीज मिली, हम लोगों को क्या मिला, हमने तो अपनी चीज बनाई और फिर भी मैं आज वहाँ नहीं हूँ जो मैं जहाँ होना चाहती थी। तो हमारे लिए तो एक स्ट्रगल रहती है, स्ट्रगल बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। लड़की नहीं हीरो बन सकती, कोई आदमी बॉम्बे से आए बॉम्बे आके स्ट्रगल करता है तो घर वाले भी प्राउडली कहते हैं मेरा बेटा बॉम्बे की सड़कों पर रह के प्लेटफॉर्म पर रह के जी के उसने बहुत बड़ा करियर बना लिया, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कह सकता है बाप कि मेरी लड़की जाके प्लेटफॉर्म पर सो के उसने फिल्म बनाने का उसका दिमाग में ऐसी फीलिंग थी या वो इतना उसमें जज्बा था? तो ये द वर्ल्ड इज इनहेरेंटली अगेंस्ट the girl against the female. और ये लड़की जो है ये बहुत चुलबुली, very vicious, very very full of life. She's always willing to experiment, to adventure when she's young. But when she gets married and not to the boy she wanted to get married, she's confined, she's caged. अब चारों तरफ से वो she's married to a DIG who lives in the police lines. Police lines में तो Mrs. So and So, so she's become Mrs. So and So. And she is very hospitable, she is very well known, she is very gracious, but she has got no other person or personality left. वो बहुत regress कर जाती है। और इसी दौरान ये जो पुराना इसका friend होता है वो आता है, मिलता है, वो एक बहुत बड़ा scholar बन गया है और वैदिक मैनेजमेंट दुनिया को टीच कर रहा है कि वैदिक मैनेजमेंट क्या है, नया जीने का तरीका क्या है, कंपनियों को चलाने का नया क्या तरीका है। तो इन दोनों की जब मुलाकात होती है ये धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली में सेट हुई है और अपनी फैमिली की आइडेंटिटी, फैमिली की होप, शी सेज माय होम माय आइडेंटिटी,
माय फैमिली, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप उनको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ये आदमी दोबारा आ गया तो ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ भूल के उसे जाके उसके गले में लिपट गई, ऐसा नहीं। शी कैन नॉट, तो शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरी जिंदगी अब ठीक चल रही है, अब मेरी जिंदगी दोबारा मत आना। और फिर धीरे धीरे ऐसा मौका मिलता है, कहानी का प्लॉट ऐसा है कि दे मीट, दे इंटरैक्ट, और इट्स अबाउट ट्रू लव। एंड इन ट्रू लव व्हाट दे से इज देयर आर नो क्लेम्स एट ईच अदर। आप ट्रू लव में क्लेम नहीं कर सकते एक दूसरे को। True love is about yearning, about sacrifice, about separation. True love is not about getting what you want. बिल्कुल सही बात। अधिकतर लोग कहते हैं कि प्यार हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। एक मेरा inspirational idea ये था कि हर इंसान को, चाहे man, woman, and I have spoken to many older people. वो कहते हैं कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद भी क्या रह जाता है दिल में? वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो आपकी प्रेमिका के साथ थी वो भी नहीं याद रहती। उसकी 40-50 साल में इतनी परतें पड़ गई उसके ऊपर, उसकी भी याद नहीं रही, उस टच की, उस फील की याद नहीं रही। वो इमोशनल लाइफ में जो आपके साथ में जो हुआ, खींचातानी हुई, जो इमोशनल कनेक्शन हुआ, वो भी इतने सारे लाइफ के झंझावात में भूला जाता है आदमी। लेकिन क्या रह जाता है? वो एक पल, दो पल, जब आप यू टच्ड each other's soul and you discovered life's spirituality through that connection. वो याद, वो एहसास वो जिंदगी भर रहता है। और आप किसी से बात कर लीजिएगा, और मेरे को सबने ये वैलिडेट किया है कि यस, एक वो लड़की थी, आज भी या लड़का था, आज भी किसी मॉल में जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में, ऐसा लगता है कि अभी आ जाएगी सामने, शायद मिल जाए आज वो। वो याद, वो भीनी भीनी उसकी महक आपके दिल में रहती है, वो मिलती है नहीं मिलती। और अगर मिल जाए, जैसे इनकी लाइफ में हुआ, तो क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे क्या? अब वो अपने समाज में है, अपनी अवस्था में है, ये अपने समाज में अपनी अवस्था में है, तो क्या होगा? कैन दे क्लेम ईच अदर? कैन द मैन से टू हर, लुक, आई वी हैव बीन थ्रू अ लव, थ्रू इंटीमेसी, यू डू स्पेंड टाइम विद मी? यू कैन नॉट। सो दैट डिग्निटी, दैट रिस्पेक्ट यू गिव टू द अदर पर्सन, कि आई केयर फॉर यू, आई स्टैंड बाई यू, बट आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ मैसेज दैट कम्स। तो दिस इज अबाउट, आई कॉल इट क्लासिक लव। क्लासिक लव इज दैट, एंड आई डोंट नो व्हाई क्लासिक लव इज नेवर फ्रक्टिफाइड, यू नो, जैसे श्री फरहाद या आप रोमियो या कोई भी कहानी लिख, तो उसमें ये नहीं होता कि रोमियो जूलियट मिल गया आपस में। That love is defined by, जिसे हम कहते हैं बैराग, love is defined by yearning. तो इस फिल्म के अंदर एक जो overtones हैं वो yearning के overtones हैं, और वो yearning के overtones आजकल किसी फिल्म में मुझे देखने को नहीं मिलते, because आजकल की ये फिल्म is the young love today is it happens, there is lot of emotion but there is lack of spirituality in that. तो चलिए, इस फिल्म में ये देखने को मिलने वाला है। काम करते हैं, इसके बारे में और भी बात करूंगा। पहले मनीष मुझे चले गए, पर ये गाना सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पे गाने हैं। मैं उससे पहले अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। जी जी, अभी दत्ता जी सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन, प्लीज ऑन द स्टेज। काम करते हैं, आप जितने जितने ये कदमे छोटे हैं मत समझना कि रविंद्रनाथ टैगोर है बंगाल के। ही इज दैट लेवल ऑफ पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है उन्होंने। I am very satisfied that I went to him, and I as मैंने बाहर भी बोला था कि कोई और हो ना हो, ये तो definitely Bollywood को एक बहुत बड़ा talent मिला है इस फिल्म से। या बता, आइए चलिए हम लोग गाने सुनते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे। या आइए आइए ओके, तीन गाने हैं। देखिए ऐसा है कि आज तो सिर्फ म्यूजिक का लॉन्च है, आप लोग तीनों म्यूजिक वीडियो देखे, लेकिन ये तो फिल्म का सॉन्ग है, आपको सभी को पता है। तो क्या होता है, जब ऐसे सिर्फ गाना सुना जाता है तो सिर्फ उसको एक म्यूजिक वीडियो के तरह से देखा जाता है, और जब फिल्म देखने के बाद गानों को देखा जाता है तो फिल्म के हिसाब से फिल्म का गाना बनते हैं, तो उसके साथ देखने के बाद उसका परसेप्शन बदलता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप बिल्कुल हम लोगों को बोलिए आप लोगों को कैसा लगा, और फिल्म देखने के बाद कैसा लगा ये भी हम लोगों को बोलिए। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, तो उसको कहाँ तक आपने, उनके म्यूजिक को, उनके वर्ड्स को कहाँ तक उपयोग किया गया? देखिए जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे
एक गाना जो है, जो बीच का सॉन्ग था, तो वो तो मिस्टर टैगोर का ही सॉन्ग है, रविंद्रनाथ जी का सॉन्ग है। उसका सिर्फ हम लोगों ने हिंदी में उसको ट्रांसलिटरेशन किया, ताकि उसको पूरा उसका जो भाव था उसको रख के हम कर पाए। ये लिरिक को लेके हम लोग बहुत दिन आफ्ताब के साथ बैठे, आफ्ताब आलम ने लिखा ये लिरिक को। तो हाँ, रविंद्रनाथ जी की ट्यून लेके तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही सबका प्यारा। जिन लोगों को पहले से ही पता है कि ये गाना कौन सा है, किसी को पता है ये दूसरा जो गाना सुने हम लोग, वो रविंद्रनाथ जी का कौन सा बंगाली सॉन्ग है, किसी को पता है? शायद किसी को पता है वो। तुमी रोबे नी रोबे हृदये मम, तुमी रोबे नी रोबे। तो यही गाना जो है बंगाली सॉन्ग, उसी का हिंदी हम लोगों ने किया, और इसका बिल्कुल ज़रूरत था। पहले से ही योगेश जी ने कहा कि इस सॉन्ग का क्यों ज़रूरत है, और यहाँ पे और एक पर्सन मौजूद नहीं है जो हम लोगों का क्रिएटिव डायरेक्टर है, सुब्रत चैटर्जी, वो भी है। तो ये इन लोगों ने मिलके मेरा इतना क्लास लिया और मुझे इतना कुछ दिया कि बस सब मिलके हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बार जोरदार थाली होनी चाहिए। आओ बैठो। और योगेश जी के दो दोस्त आए हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के, बहुत सीनियर, बहुत प्यारे, बहुत पुराने। पवन मल्होत्रा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड सक्सेना साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। क्या बात है, आओ आओ, पुराना याराना लगता है। लो भाई। नहीं, सबसे पहले वर्मा जी आप शुरुआत कीजिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद इनसे बात की जाएगी। हम लोग पुराने टाइम में आई थिंक 75 76 से साथ हैं, और पिलानी में एक फेस्टिवल हुआ करता था ओएसिस के नाम से। इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो ये लोग, एक थिएटर ग्रुप था इनका, ये वहाँ आए। तो जब मैं वहाँ पिलानी में थिएटर करता था तो आपस में हमारे दिल मिल गए। उसके बाद मैंने कॉलेज पास करने के बाद नौकरी करने के बजाय इनके साथ जुड़ गया, और हम स्ट्रीट थिएटर करते थे। और बादल सरकार जी हमारे एक तरह से गाइड कम डायरेक्टर कम, तो वो लोग भी वर्कशॉप हमारे साथ करते थे। बहुत सारे प्ले किए, उसके अलावा भी डिफरेंट अदर प्लेस किए। एक हमारा प्ले था दुलारी बाई, जिसके साथ हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पवन वगैरह साथ में थे। तो बीरू और सारा टाइम, जैसे यंग लड़के करते हैं, सारा टाइम पड़े रहना, सारा टाइम आवारागर्दी करना। तो मैं इनके साथ, फिर धीरे धीरे जैसे सीरियसनेस आई, और उन्हीं दिनों सुधीर बॉम्बे आया, सुधीर मिश्रा, फिर ये भी आए। लेकिन मेरे कुछ घर के हालात ऐसे बदल गए कि मैं नहीं ऐसा कुछ कर सका, तो दिल की एक वो हुक रह गई। और बट आई रिमेंबर्ड एंड आई ऑलवेज एनवीड द सक्सेस ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देयर डेडिकेशन। बीच में हम कनेक्टेड रहे, लेकिन क्योंकि इनकी इंडस्ट्री अलग, हमारा अलग। तो आई रिमेंबर द डेज एंड टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू बी फॉर नाइट्स टुगेदर, चैटिंग, टॉकिंग। और जैसे यंग डेज में थोड़ा रिबेलियस होते हैं, यू नो, वी वर मोर लेफ्ट ओरिएंटेड, एंड हमारे प्लेस भी ऐसे जुलूस, भोमा, इस तरह के बाल सरकार के प्ले होते थे। अब पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, वो सब नाटक करते। अरे वीरू भाई को सब याद है। वीरू भाई आप बताइए जरा वर्मा जी के बारे में। हमारे बीच में एक ही पागल आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जो कि ये हैं, इनको पागल ही मानते थे और ये होते थे इनको, इसलिए क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, मतलब इसका कोई जवाब नहीं था। जब भी आता था तो ऐसा नहीं था कि आप शांति से बैठे रह सकते, हो ही नहीं सकता था, कुछ ना कुछ करते रहना। वो पढ़ा लिखा आदमी था, तो कोई ना कोई नई चीज़ कुछ ना कुछ दिमाग में इसके चलता रहता था, जो कि इसने इतने टाइम बाद जाकर के प्रूव किया है कि सब कुछ छोड़ के चले जाने के बाद, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद भी अचानक फिर दोबारा से उसका वही कीड़ा जागा। उसने कहा मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा, और उसने कर दिया, और खुद अपने आप में पूरी तरीके से बिना किसी की हेल्प के एक फिल्म प्रोड्यूस की है, और हम इसके साथ हैं। हमें मालूम है बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने देखी नहीं है, लेकिन हम जितना मालूम है, क्योंकि लगातार जब भी ये
कुछ प्लान करता था तो हमारे पास आता था, हमको सुनाता था कि ये लिखा है, ये करना चाहता हूँ। एक और पहले कुछ काम करने वाला था जो कि मेरे ख्याल से शायद इसको रखना पड़ा, क्योंकि कुछ जो कुछ भी एक उसके रीजन्स रहे होंगे वो हमें नहीं मालूम। लेकिन फाइनली इसने इसकी समझ में आया कि किसी और की हेल्प से कुछ काम नहीं हो सकता, इसको खुद ही करना पड़ेगा। एंड ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, गॉड ब्लेस यू। पवन भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म बनती है, कोई कहानी होती है, तो आपने तो इस इंडस्ट्री को शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखा है, लेकिन ऐसे नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपका दोस्त क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज तो जो आज आप देख रहे हैं, इज फ्रॉम बिट्स पिलानी। इंजीनियरिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। शुरू में तो हम वहीं मिले थे, ये थिएटर करते थे हम, मैं कॉलेज की तरफ से हम लोग बिट्स पिलानी जाते थे। इट वॉज ह्यूज फेस्टिवल एट दैट टाइम, टूडे आई डोंट नो, बिगर देन IIT मुडिंडिगो, सो यू कैन इमेजिन। इट वॉज लाइक दोज डेज, एक टाइम पे 50-60 कॉलेजेस थे जो पार्टिसिपेट करते थे। आज सुना है काफ़ी 100 तक पहुंच गया है। एंड फॉर अस इट वाज अ बिग थिंग टू गेट अ ट्रॉफी फ्रॉम देयर। तो हम लगा, मैं लगातार 3 साल गया वहाँ, दैट्स वेयर आई मेट हिम। उसके बाद ये दिल्ली, ही वाज अ टॉपर फ्रॉम देयर, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन थिएटर। ही वाज अ मैड गाय इन थिएटर, ही कुड डू एनीथिंग ऑन स्टेज सडनली, एंड एज वी कॉल्ड हिम यो यो ऑल ऑफ अस। और जैसा कि इन्होंने बोला थोड़ा लेफ्टिस्ट, वो तो जब थिएटर में होते हैं ना तो सब होते हैं, सब ने पैसा बनाया जितने भी लोग थे, और जितने भी लेफ्टिस्ट मैं यहाँ जानता हूँ सब बहुत अमीर हैं। सो बस उसमें ये होता है कि एक थोड़े पीरियड के लिए आपको होना पड़ता है, शायद कुछ चीज़ें सीख जाते हैं आप, उसके बाद फिर ड्रॉप करना होता है। समझदार आदमी यही करता है, जो बहुत चालाक नहीं है ना तो वो ऐसा ही करता है। तो एनीवे, आज बहुत सालों के बाद he called me and he told me कि मैं ऐसे एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि एक जब बना ली, उसके बाद मैंने एक स्टेज के बाद बोला, अभी इन सब चीज़ों पे पैसे मत वेस्ट कर, जब रिलीज होने वाली होगी ना तब ये सब करना, बिकॉज ही स्पेंडिंग इन दोज मनी। मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर आशा करता हूँ कि अच्छी फिल्म है। और जितनी प्रेस यहाँ पर है, जो पीछे लोग बात भी कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। I don't know how much it matters when Pavan Malhotra requests to the press, but अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगती है, जब भी आपको देखने को मिले, तो please support a film like this। देखिए बड़ी फिल्में आती हैं, उसमें आपको भी भरना है, आपको भी कॉलम भरने होते हैं, वो सब मैं मजबूरी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम सबको अपने अपने प्रोफेशन के साथ एक ईमानदारी जो होती है कि आप अगर ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी नहीं, मैं आशा करता हूँ हरी इच्छा बहुत अच्छी चले, ये फिल्म बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। ही इज़ मेड इज सच अ ह्यूज एफर्ट, अपने जेब से सारी ज़िंदगी कमाई डाली है, देखने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, इन केस यू लाइक द फिल्म, प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म, प्लीज डू दैट इफ यू लाइक द फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। और इतना नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उसको फिल्म को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए कि इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ही हैज मेड इट ऑन हिज ओन। और इस तरीके के लोगों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास सपोर्ट है उनके पास तो मालूम है एक अच्छी स्टार कास्ट होगी, अच्छे लोग होंगे, उनके पास साथ में प्रेस भी होगी, उनके पास एक पेड प्रेस भी होगी, आई एम वेरी सॉरी टू से। लेकिन इस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी फिल्म को देखा जाए, और जो कुछ भी आपकी उनकी फिल्म के बारे में राय है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, जो भी आपकी राय है, जिससे कि कम से कम इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा एनकरेज किया जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए, थैंक यू फॉर कमिंग। आइए देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद और भी पूरी स्टार कास्ट से बात करेंगे। आई विल आल्सो हैव द एंटायर कास्ट ऑन द स्टेज। जी जी, अभी ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिल्म का ट्रेलर देखते हैं। जी जी, आइए। सुमित एंड एवरीबॉडी, अर्पित, हुएवर आर हियर, गौरी, इंद्रनील जी, करमवीर जी, सब आइए प्लीज स्टेज पर, एटलीस्ट लेट्स हैव अ शो आवर फेसेस टू द पीपल। अंगद, निकिता, ये तो आप फेमिलियर फेस हैं बॉलीवुड के, आपने देखा होगा कई फिल्मों में। करमवीर चौधरी जी हैं, ये मेरे वन ऑफ द चीफ एडी, निकिता, अर्पित अवर आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, अभी काफी आओ।
And where is Gauri and yeah, they are. So obviously, in this industry, people are busy doing shootings, and also we don't have all the people here. And here we have Mitali coming in. Yeah, good evening. So I think we, out of all the people who worked for this film, there are a few here. I would like to acknowledge each one of them. Sumit, would you like to say a word? Hello, everybody. Good evening. The most important point that I'm going to say about this film is the enthusiasm which Yogesh sir had in making this film. There were times when we were exhausted and tired, but it was his energy which made us feel like, you know, that he is the most youngest person on the set and we are all lagging behind. So the completion of this film is purely on his energy and his enthusiasm. That's what drove us to complete the project in the freezing cold that we were in Shimla in Feb last year. And I think I'll let my work speak and I'll cut my speech here. Yogesh bhai, ek photo lete hain. Media jitni press ke liye ek puri taakas ke sath photo lete hain. Aur uske baad fir haan ji ji ek photo lete hain, photo lete hain. Yes, aaiye aaiye. Close hui, yes. थैंक यू, थैंक यू. प्लीज आप लोग आ सकते हैं नीचे. गौरी प्लीज आप रुकिए. जी जी. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. गौरी प्रधान के लिए एक बार जोरदार ताली नीचे. गाइस कम बैक कह सकते हैं आप लोग. उफ, कितने दिनों बाद देखा मैंने आपको. थैंक यू. दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी वर्किंग ऑन दिस फिल्म. दिस वॉज माई डेब्यू फिल्म. आई हैव नॉट डन अ फिल्म बिफोर. And I came back after a long break. Sumit very rightly said, it was all about Yogeshji's enthusiasm. It was a really, really great experience. The whole unit was like a family. Great story, great people, great crow stars. Everything just worked out really well. So thank you so much again. Gauri, सबसे पहले तो ये बताइए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ थी, क्या क्या कर रही हैं आजकल अपनी जिंदगी में, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? बहुत कुछ कर रही हूँ एक्टिंग के अलावा. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई डू. आई टीच योगा, फेस योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन. सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो हैपनिंग. क्या बात है. इस फिल्म में क्या करेक्टर, क्या रोल है आपका, चरित्र क्या है? तो मेरा रोल है, आप जैसे आप लोगों ने देखा, मेरे कैरेक्टर का नाम है वैदेही. It's a mature love story, or because of some reasons, family pressure, I don't end up getting married to the guy I love, and I am not happy being in my marriage, you know, in my married life. And then when the love of my life comes back to me, and the twists and turns that happened in my life, the story is all about that. Yogesh ji, गौरी को साइन करने के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतना बैकग्राउंड बहुत कमाल करा है, इतना काम किया इन्होंने इंडस्ट्री में, तो क्या रीज़न था इस कैरेक्टर के लिए? इन्होंने ऐसा था कि वन, आई नीडेड, द कैरेक्टर इज एज्ड 46 एंड एज आई मेंशन शी इज द वाइफ ऑफ द DIG, प्रॉब्ली द मोस्ट because the socialite or the hospitable Yogesh, lady. You conned me. You told me 42 earlier. Now you're saying 46. Yeah, you are 42. Because but you said 42, I said yes earlier. Yeah, yeah, yeah. I'm just joking. You are 42, but the character was 46. So, any case, so, mere ko bahut logon se baat hui, and including the famous ones in Bollywood, I found that she was the most, in terms of looks and you know, personality, the most gracious lady, and in real life too also she's a very hospitable and very very gracious person. Aur mujhe bahut acha laga because inka jo kirdar in terms of personality she was fitting in, and the emotions she could catch the emotions, bring out a very nuanced performance. Aur ab film inke sath karne ke baad to mujhe ye lagta hai ki shayad कोई और चॉइस थी भी नहीं मेरे पास. और ऐसा बोलूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आई डिड टॉक टू अ लॉट ऑफ द कंटेम्प्रेरीज,
जो इनके उम्र की हैं और इस पोजीशन में है लाइफ में जो कर सकती थी, लेकिन she is proven beyond doubt that she was the best choice for me. क्या बात है, give a band जोरदार ताली होनी चाहिए guys, बहुत बढ़िया. और इंद्रनील जी, you know, his character is 50, I don't know what his real age is, but he has performed very close to 50, but does he look 50? Anybody can say? नहीं नहीं. So he has because of his appearance and his facial personality, जो इनका जैसे कि face का cut है, तो he looked very scholarly to me because my professor is a very different type of जैसे मेरे दिन मैंने इनको पहली बार मिला तो यार वो इनको ये कहा वो देवानंद का जो एक छोटा सा गाना था कि जिंदगी का हर चीज को उड़ाता चला गया. तो ही इज अ मैन हु होल्ड्स नो ग्रज, ही इज अ मैन हु होल्ड्स, ही डजंट लुक बैक इन लाइफ, ही इज वेरी जेनरस हार्टेड. सो मेरे जब दिमाग में सब चीजें आई थी, इतनी जो तारीफ हो रही है ये सब सही बोल रहे हैं ना, अच्छी बातें कर रहे हैं तो सही है. ओके, सो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब ये फिल्म पहली बार मुझे ऑफर किया गया, सो मैं कई बार ना मतलब आई गेट सोल्ड ऑन द स्टोरी और आई गेट सोल्ड ऑन द डायरेक्टर्स कन्विक्शन इन द स्टोरी. सो आई थिंक इसमें योगेश जी की जो एक्साइटमेंट है ना कहानी को लेकर, जो उनका पैशन है, जो कन्विक्शन है स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी में द बिलीफ इन द स्टोरी इज सो स्ट्रांग. Right from the time I signed to while the making of the film was, when the film was being made, जैसे कि सुमित भी शायद बोल कर गया है कि योगेश जी की जो मतलब जो conviction है, belief है, जो enthusiasm है, that was a driving force for the entire film. आज भी अगर आप योगेश जी को film के बारे में कुछ पूछेंगे, so he can talk for 2 hours. Even he's from theatre background और cinema शायद he's new to cinema. सो क्या होता था कि कभी सीन के लिए बुलाते थे ना, तो मैं पूछता था कि योगेश जी क्या करना है, एंड योगेश जी वुड स्टार्ट डिस्कसिंग द सीन एंड देन ही वुड गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देन ही वुड गो इनटू द हाउ द कैरेक्टर्स हैव कम इनटू द पिक्चर. योगेश जी सीन के बारे में बोला, सिर्फ सीन, स्टिक टू द सीन. योगेश जी वुड लाइक बी सो एलैबोरेट, दैट्स हिज पैशन, ही वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि एक आदमी जो एक फिल्म बनाना चाहता है उस कहानी में इतना बिलीव करता है, हाउ रॉन्ग कैन ही गो. Whether the film works, not works, that's not in our hand. But he is passionately directing it, is passionately making it, and our job is only to do justice to whatever he wants to do through us. How he fares as a director will be seen when the film releases. How we have fared as actors will be seen when the film releases. But I can tell you one thing: he's a good producer. He pays on time. I mean, it's very important for actors. We have to call up, ki sir, mera चेक ड्यू है. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि योगेश जी को कॉल करना पड़ा है. ऑल्दो ही हैज पुट हिज ओन मनी इन मेकिंग दिस फिल्म, ही हैज ट्रीटेड हिज एक्टर्स रियली वेल, ट्रीटेड द एंटायर यूनिट रियली वेल, देयर वाज नथिंग टू कंप्लेन, एंड ही हैज पेड ऑन टाइम. दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग अबाउट हिम. सो एनीवन हियर हु गेट्स अप्रोच्ड बाय योगेश जी फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, प्लीज डू इट, यू विल गेट पेड वेरी वेल ऑन टाइम. थैंक यू. Hi everybody, thank you all for coming here. Aap log yahan pe ikhatta hai and it's all because of Yogesh sir. He's put in so much effort and so much love into this film, and I hope that it works and all the love shows eventually. Again, like everyone else, the first time I had a chat with Yogesh sir, I thought ki haan, he'll give me a brief about what he wants and 10-15 minute ka conversation hoga, and it went on the I think 1.5 hours we were on the phone and talking, and I was just like, he is so excited and I am so excited to come and actually shoot. I was not in Shimla, we shot in Chandigarh because I was playing younger Vaidehi. So I had a small period with the team, but it was amazing and it's memorable and it'll always stay very close to my heart. So thank you, Yogesh sir, for this opportunity. I will always keep it very close to my heart. Thank you. जितने यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. एक न्यू कमर के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसा प्रोड्यूसर मिले, ऐसा डायरेक्टर मिले. और जितने भी मीडिया मेंबर्स मौजूद हैं, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो प्लीज आप जरूर पूछिए. प्लीज आई विल बी हैप्पी टू. या जी पूछिए. Hi, good evening. Mayur here from Beyond Bollywood.
योगी जी ऑब्वियसली आपसे पहले भी थोड़ी मुलाकात हुई और फिर अभी ट्रेलर